स्वागत है आपका अनोखी कहानियों के इस चैनल पे। तो आज सुनते हैं कहानी जापान की मछलियों की। जापानियों को ताजी मछली खाना बहुत पसंद है, लेकिन जापान के आसपास के समुद्री इलाकों में कई सालों से मछुआरे मछलियों को पकड़ नहीं पा रहे। कारण, जापान के तटीय इलाकों में लगातार फिशिंग के कारण ताजी मछलियों की गिनती ना के बराबर रह गई है। इसलिए जापान की आबादी को ताजी मछलियां खिलाने के लिए मछली पकड़ने की नावें बड़ी हो गई और मछुआरे जापान के तट से दूर जाने लगे उन्हें पकड़ने के लिए। मगर मछुआरों के लिए एक मुश्किल खड़ी हो गई थी। उनको जितना समय समुद्र के अंदर जाने में लगता था, उतने ही समय उनको मछलियां पकड़ के वापस आने में लग रहा था। परिणाम, मछलियां तट पर वापस आते आते बासी होने लगी। चूंकि मछलियां ताजा नहीं थी, इसलिए जापानियों को उनका स्वाद पसंद नहीं आ रहा था। इस समस्या को हल करने के लिए मछली पकड़ने वाली कंपनियों ने अपनी नावों में फ्रीजर लगाना शुरू किया। वे मछलियों को पकड़ते और समुद्र में ही फ्रीजर में डाल के रख देते थे। फ्रीजर लगने के बाद जापानी मछुआरे अपनी नौकाओं को समुद्र में काफी दूर तक ले जाने लगे और देर तक मछलियां पकड़ते थे। मगर फिर एक समस्या खड़ी हो गई। जापानियों को फ्रोजन फिश और ताजी मछलियों के स्वाद में फर्क महसूस होने लगा। उन्हें फ्रोजन फिश का स्वाद पसंद नहीं आ रहा था। परिणाम स्वरूप ताजी मछली की तुलना में फ्रोजन फिश की कीमत भी घट गई। इस समस्या की भी कोई तोड़ तो होगा, वो निकाला गया। मछली पकड़ने वाली कंपनियों ने मछली को ताजा रखने के लिए नावों में पानी से भरे टैंक लगाने शुरू कर दिए। वे मछलियां पकड़ते और उन्हें टैंक में छोड़ देते थे। मगर कुछ समय के बाद, थोड़ा बहुत तैरने के पश्चात, मछलियों ने टैंक में तैरना छोड़ दिया। वे थकी और सुस्त दिखने लगी। हाँ, जीवित थी। मछली पकड़ने वाली कंपनियां यहां भी मार खा गई, क्योंकि जापानियों को ताजी मछली का जीवन स्वाद और सुस्त मछलियों का स्वाद, उसमें फर्क महसूस होने लगा था। एक बार फिर मछली पकड़ने के उद्योग के सामने संकट के बादल छाने लगे। तो सोचिए, जापान की मछली पकड़ने वाली कंपनियों ने इस समस्या का हल कैसे निकाला होगा। मछलियों को ताजा रखने के लिए मछली पकड़ने वाली कंपनियों ने अभी भी मछलियों को पानी के टैंक में ही डाला, लेकिन अब वो प्रत्येक टैंक में एक छोटी शार्क मछली भी छोड़ देते थे। शार्क कुछ ही मछलियां खाती थी, लेकिन अधिकतर मछलियां जीवित रहती थी। चूंकि उनके ऊपर लगातार शार्क मछली की तलवार लटकती रहती थी, इसलिए मछलियां पानी के टैंक में घूमती रहती थी और अलर्ट रहने के कारण सुस्त नहीं हो पाती थी। तट पर वापस आते आते ये मछलियां शार्क के चैलेंज के कारण ऊर्जावान और ताजी बनी रहती थी। एक बार फिर इन ताजी मछलियों की डिमांड बढ़ गई और दाम भी। तो आज जापान उस संकट से उबर गया है और मछली पकड़ने का उद्योग देश का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग बन गया है। कहानी खत्म। देखें क्या सबक दे गई ये कहानी। मछलियों के सामने आने वाली चुनौती उन्हें तरोताजा रखती थी। देखिए, देखा जाए तो इंसान की फितरत भी कुछ ऐसी ही है। यदि आप लगातार चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं तो आप खुश हैं। आपकी चुनौतियां आपको ऊर्जावान बनाए रखती हैं और आपको जीवित रखती हैं। कहने का मतलब, यदि आप स्वस्थ, युवा और ऊर्जावान दिखते हैं तो निश्चिंत ही आपके टैंक में एक शार्क है। अनोखी कहानियों के इस चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मेरा हौसला कैसे बढ़ाएंगे आप, सोचिए।